अरेबिक स्पेशल कुनाफा कैसा लगा? मैंने सारे पीसेज भी विज़िट किए हैं, लाहौर भी, इस्लामाबाद भी। मैं कहूँगा कि मैंने सारे 5-star होटल, लेकिन ऐसा कुनाफा मैंने पहले नहीं खाया। कुनाफा एंट्री के लिए सबसे पहले मुझे वाइज़र पहनना पड़ेगी, क्योंकि मैंने किचन में एंट्री करनी है। तो साथ ही हम आपको आज कुनाफा बनाना सबसे ज़्यादा सारा है इसमें देसी घी, बड़ी मज़े की खुशबू है जिसकी, देसी घी की। ये इसमें चलेगा जी देसी घी। हाँ ये देखिए इलायची, ये इसको मैरिनेट किया जा रहा है। इसको मैरिनेट करने का तरीका है, आपने इसको ज़्यादा से रब नहीं करना, स्लोली स्लोली आपने बड़े ही इसको रब्स करने का जो है इनको, बड़ा ख़ास तरीका है इनको। खान कैसा बनाओगे कुनाफा? कुनाफा सर जी, इसमें पहले कुनाफा डोए छोटा करना है, इसके बाद इसे घी डालना है और इसके बाद प्लेट में लगाना है। इस कुनाफा की प्लेट है ये वाली, इसमें जो है वो कुनाफा रेडी किया जाता है। ये ले चले, टॉपिंग करके इसको बाद में ऊपर से वो वाली जो हमने डो इसकी बनाई थी वो ऊपर लगा के इसको बंद कर दिया जाएगा। हमारा कुनाफा रेडी है जी, ये आ गया जी। अब इसको जो है वो ये साथ में जी हमारा कुनाफा जो है वो बाहर आ चुका है जनाब। तो ओवन से हमने जब बाहर किया तो साथ में इसके ऊपर हमने किया जी ड्राई फ्रूट्स, इसके ऊपर हमने डाल लिया पिस्ता और बादाम की जो है हमने टॉपिंग कर ली है। आपने भी अगर इस पे एक्स्ट्रा टॉपिंग करना चाहते हैं तो आप एक्स्ट्रा टॉपिंग भी कर सकते हैं। तो साथ जनाब इसके ऊपर हमने इसको फॉर गार्निश क्रीम का जो है वो इसकी लेयर ऊपर लगा देंगे। आप क्रीम लगाना चाहें तब भी लगा सकते हैं, नहीं लगाना चाहें तब भी नहीं लगा सकते, ये आपकी मर्ज़ी है जनाब, आपकी ऑप्शन है। लेकिन रेस्टोरेंट प्रेजेंटेशन के लिए हम इस पे क्रीम की जो है वो गार्निश लाजमी करते हैं। साथ में इसके ऊपर अक्सर आप शहद भी लगा सकते हैं, और शहद नहीं लगाना चाहते तो आप इसमें
चीनी का जो सीरम बनाया जाता है वो जनाब हमने ये ऑलरेडी पहले से बना के रखा हुआ था, वो हम साथ में इसको सर्विंग कर देते हैं। आप गरम गरम जो है वो कुनाफे के साथ गरम गरम इसका सीरम होगा तो जनाब सो डिलीशियस इसका टेस्ट होगा। मैंने इसके ऊपर जनाब एक्स्ट्रा टॉपिंग करवाई है पिस्ते और बादाम की। यार तो डर लगता है, तो ये है जी हमारा अरेबिक स्पेशल कुनाफा जी। ये एज ए डिज़र्ट इस्तेमाल किया जाता है, तो आप जब भी आए अलहमद रॉयल रेस्टोरेंट पे तो आप हमारा अरेबिक कुनाफा खाना बिल्कुल भी मत भूलिए। सो इसी के साथ नाज़िम मुझे दीजिए इजाज़त और मेरे चैनल इरफान भट्टी ब्लॉग्स को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस कीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह ने के पान अल्लाह अल्लाह हाफिज़।